किताब उचित बना होता है तो भी उसका नहीं है। अभिभावक से जुड़ के उनको भी ये बता रहे हैं आप किस दिन क्या करना है, तो आप लोग भी बच्चों की ये अभिभावक खुद लेकर आए हैं और ये बता रहे हैं कि हम लोग को ये मिला है रूट रूट से और इससे वो बच्चों के साथ वो अपना सामंजस्य बना के वो लोग बता रहे हैं। एक बहुत अच्छा है, कैसा लग रहा है आपको वो अपने बच्चों को? अच्छा लगा ना, इसे जानकारी मिल रही आपको? एक जुड़ाव है कि स्कूल में लाइब्रेरी खुला है तो अभिभावक भी खुश हैं, स्कूल का परिसर भी सुंदर दिख रहा है और बच्चों में वो पढ़ाई का जो रुचि है, जिस तरह कृष्णा ने कहा कि पाठ्य पुस्तक के साथ हम इसको करें, ये बहुत अच्छा सोच है। हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं रूम टू रीड को, इसके तहत हमारे स्कूल में बच्चों का जो समीकरण है वो बढ़ रहा है। धन्यवाद। ये जो कॉन्सेप्ट है लाइब्रेरी की रूम टू रीड के लिए कि अगर हम बच्चे को जो टाइम टेबल बनाया हुआ है समय सारणी के अनुसार, अगर बच्चे को 1 से 5 के कॉन्सेप्ट में है तो अगर बच्चे को रेगुलर इसको दिया जाए तो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ ले रहे हैं जो दिख रहा है। 1, 2, 3 में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन 3 से 5 वाले बच्चे इसको रेगुलर अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, यानी कि अगर पुस्तकालय वाले बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे तो अपने जो पाठ्य पुस्तक है उसको अच्छे से पढ़ने में उनको दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो हम चाहेंगे रूम टू रीड के जो भी क्लासेस हो रहे हैं अभिभावक से जिस तरह से मिलने आ रहे हैं कि वो सभी को एक जानकारी है, ये नहीं है उनको नहीं जानना है, वो भी जान रहे हैं बच्चे, तो एक बहुत अच्छा पहल है। श्वेता का धन्यवाद कि ये बहुत अच्छा पहल है और साथ में हम कृष्णा जी से जाएंगे क्योंकि ये पूरे ब्लॉक को देख रहे हैं, उनसे भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर हम इसको और आगे हम हर एक विद्यालय में अगर लिया जाए, अगर हम सरकार से या उम्मीद रखें ये कॉन्सेप्ट को लेके जाए तो पढ़ने वाली जो है हमारे जो भौगोलिक क्षेत्र है जो ट्राइब्स एरिया है उससे भी बच्चे बहुत अच्छा नॉलेज आ सकता है, वो भी एक क्लियर हो जाएगा। बच्चे पढ़ना लिखना बोलना जानेंगे, एक किसी भी स्टेज पर खड़े होकर कुछ भी बातें बोल सकते हैं, कहानियाँ बता सकते हैं, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। धीमे धीमे बच्चे से पढ़ रहे हैं तो उनका शुरुआती लेवल है, तो हम शब्द ज्ञान करके वो पढ़ रहे हैं, वही बहुत रखा है कि बच्चे स्पूर्ति पढ़ रहे हैं। तो ये लाइब्रेरी का एक कंसेप्ट है कि बच्चे यहाँ बैठ कर नियमित यहाँ समय व्यतीत करते हैं, जैसे कि विश्वविद्यालय में हम लोग कहा दिया गया है एक रूटीन में उसको एक पीरियड उसको डाल दे रहा है, तो नियमित वो भी हो रहा है और धीरे धीरे बच्चों में ये आदत डेवलप हो रही है। जब बच्चे को यहाँ किताबें रुचकर या नहीं रहेगी तो उनकी पाठ पुस्तक से उनका जुड़ाव हो जाएगा, जो पाठ पुस्तक से जुड़ाव होगा कि हम जो दक्षता की बात करते हैं कि हम 20 क्लास में बच्चों की दक्षता देना है, तो वहाँ तभी संभव होगा जब उसकी किताब रुचकर लगेगी और किताब रुचकर तभी लगेगी जब उसमें बच्चे में पढ़ने की हैबिट डेवलप होगा और ये हैबिट कौन डेवलप करेगा, ये लाइब्रेरी डेवलप करेगा, क्योंकि लाइब्रेरी में विभिन्न तरह की किताबें होती हैं, वो गतिविधियाँ आधारित होती हैं, रोचक कहानियाँ होती हैं, क्योंकि बच्चों को पाठ पुस्तक का सा बोझे लगता है तो उस बोझे को आसान करने के लिए लाइब्रेरी दिया गया बहुत अच्छा कंसेप्ट है और हम चाहेंगे कि हमारे सभी विद्यालय में एक साथ लाइब्रेरी हो तो बच्चे को जो है ना पढ़ना सुगम हो जाएगा और उनको दक्षता प्राप्त करने में उनको सहूलियत हो जाएगी। और ये चीज़ और बताना चाहेंगे, कैसे लगा आपके स्कूल?